एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जितने भी हायर पीक मॉन्स्टर थे वो सारे मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कर चुके थे, और उनके अटैक करने के वजह से दरवाज़ा थोड़ा सा टूट जाता है। इसी वजह से कुछ हंटर आके उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने लगते हैं, और वहीं पे जिंक्स ही उनको लड़ता देख उनके हेल्प करने के लिए उनके पास जाने लगते हैं। पर तभी वो नोटिस करता है एक मॉन्स्टर आके उस फायर हंटर को पकड़ लिया है। तो इसी वजह से जिंक्स ही जाके पहले उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उस हंटर को बचाता है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने लगते हैं, पर जिंक्स के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है। पर जिंक्स बहुत तेज़ था, इसी वजह से वो बहुत तेज़ से मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस जाता है, और वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से टकरा के वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद जिंक्स वहाँ पे बाहर जितने भी लोग थे उन सबको अंदर जाने के लिए कहता है, और सारे हंटर्स को कहता है दरवाजे पे आके उन सारे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। जिंक्स जब सबको लीड कर रहा था यहाँ पे, तो उसी टाइम पे दो लोग के ऊपर एक मॉन्स्टर आके अटैक कर देता है, और यहाँ पे जिंक्स जल्दी से जाके उन दोनों लोगों को बचाता है। और यहाँ पे जिंक्स फाइट करते समय और सबको बचाते समय एक ही बात सोच रहा था, अगर वो चाहता है नल ब्लेड को हराना तो उसके लिए उसे इस दुनिया के सारे मॉन्स्टर को एक एक करके हराना पड़ेगा, और ये बातें वो सोचते हुए लड़ रहा था। पर तभी अचानक जिंक्स का जो क्रोकर है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और ये देख के जिंक्स समझ जाता है कुछ खतरा आने वाला है। और तभी उसके पीछे से बिल्डिंग तोड़ के एक हायर पीक आके अटैक कर देता है, जिस अटैक से जिंक्स नहीं बच पाता और वो इंजर्ड हो जाता है थोड़ा सा। पर फिर भी जिंक्स रुकता नहीं, वो अपने सवाल को लेके उस मॉन्स्टर के साथ अटैक करके उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है। पर वो मॉन्स्टर बहुत ही तेज़ था, वो जिंक्स के सारे अटैकों से बचते हुए जिंक्स के ऊपर अटैक करने लगता है, पर जिंक्स भी उसके अटैकों से बचते हुए उसके सर पे मारता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो जिंक्स को लेकर हवा में उड़ने की कोशिश करता है। पर ये दोनों उड़ने के जगह बिल्डिंग तोड़ के सीधा नीचे के फ्लोर तक ये लोग चले जाते हैं। इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी जिंक्स और वो मॉन्स्टर दोनों ही नहीं मरते। मॉन्स्टर उड़ते ही जिंक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिंक्स इस अटैक से नहीं बचने वाला था, पर तभी मिस किम आके जिंक्स को अपने पावर से बचा लेता है। उसके बाद जिंक्स उठ के अपने सवल से उस मॉन्स्टर को वहीं पे मार देता है। इसके बाद जो किम है वो वहाँ से चला जाता है सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और जिंक्स भी उस जगह से निकल आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। जिंक्स उस मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से निकलते समय उसने अपना स्ट्रीम भी बंद कर लिया था, और वो अपने मन में सोच रहा था आज जो भी वो कर पा रहा है सिर्फ और सिर्फ गॉड पावर के वजह से ही, और ये सोचते हुए वो जाने लगते हैं। पर तभी एक हंटर जिंक्स को रोक के उसका सबल मांगने लगता है, और कहता है इसके बदले वो उसे पैसे भी देगा, पर जिंक्स उसे ये देना नहीं चाहता था। और तभी वहाँ पर एक हंटर आके उस हंटर को रोकने लगता है और बताता है इस सबल के बारे में कुछ रूमर्स है, ये सबल जिसके भी पास होता है उसके लिए कुछ ना कुछ अजीब सा खतरा आ जाता है। और ये बातें सुन के वहाँ पे जिंक्स उस सबल को ज़मीन के अंदर घुसा के देखते हैं आसपास, सब लोग उसके ही सबल को लेना चाहते हैं। तो सबको वो कहता है अगर जो भी इस सबल को लेना चाहता है वो अपने सुपर पावर को यूज़ करे बिना इस सबल को निकालो, और जो निकल पाएगा ये सबल उसका। ये बस सुनते ही वहाँ पे हंटर्स सारे आके उस सबल को निकालने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे बिना उस सबल को नहीं निकल पाता। इसी वजह से वो लोग जिंक्स के ऊपर शक करने लगते हैं, क्या इसने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया है। पर जिंक्स आके उस सबल को अपने दोनों हाथों से निकाल के दिखाता है, और वो जैसे ही सबल को निकालता है उसका आसपास का जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है काफ़ी हद तक। ये देख के वहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पे सबको समझ में आ जाता है उस सबल को सिर्फ और सिर्फ जिंक्स ही उठा सकता है। जिंक्स इस दिन के बाद यहाँ से चला जाता है और ख़ुद को रिकवर करके एक दिन एक स्ट्रीमर के घर पर आता है, पर उसके घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी था, और वो सिक्योरिटी वाले जिंक्स को सस्पिशियस पर्सन समझ के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर उनको जब पता चलता है जिंक्स के बारे में वो लोग जिंक्स को जाने देते हैं। जिंक्स जैसे ही ऊपर के फ्लोर पे जाता है उस लड़की के घर पे आते ही वो उसके घर का बेल बजा के उसके लिए गिफ्ट छोड़ के वो छिप जाता है, और वो लड़की जैसे ही बाहर आता है तो उसे वो गिफ्ट पसंद आता है। पर जिंक्स छिप के देख रहा था, और उसी टाइम पर उसका बेबी क्रोकल चिल्लाने लगता है। ये देख के जिंक्स बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने क्रोकल का मुंह बंद कर लेता है, पर वो लड़की जिंक्स के पास आ रहा था तो इसी वजह से जिंक्स वहाँ से भाग जाता है। पर इस जगह पे जिंक्स का लक कुछ अच्छा नहीं था, वो भाग के जब जा रहा था तो वो किम से टकरा जाता है, और यहाँ पे किम गुस्से से जिंक्स से पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिंक्स उसको रिप्लाई देता है बस मैं बस अपने अच्छे फैन से मिलने आया था, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। पर उसके वहाँ से जाने के बाद ही उसका जो बेबी क्रोकल है वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और वहाँ से उसके पास से भाग जाता है।
जिंक्स उसके पीछे जाने लगता है। और वहीं पे हम लोग देखते हैं बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से वो लड़की भी जिंक्स को देख रहा था। और इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस आई होप सब सबको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ हम लोग से एक और नया वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।